स्पर्श का सत्संग, संत छू दें, प्रेम से छू दें, किसी भी पैर से लेके सिर तक किसी भी अंग को छू दें तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है। आपने नाम सुना है गीता वाटिका गोरखपुर में विराजमान परम रसिक सिद्ध संत श्री राधा बाबा, जो पूर्व में चक्रधर बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, बहुत दिव्य जीवन चरित्र है, पढ़ने योग्य उनका जीवन चरित्र है, अवश्य पढ़ना चाहिए साधकों को। तो राधा बाबा, भगवान शिव पार्वती ने उन्हें सन्यास की आज्ञा दी थी और उनकी कृपा से उन्होंने सन्यास ग्रहण किया था और बड़े उस जमाने के क्रांतिकारी भी थे और बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी थे, तो उनकी अद्वैत निष्ठा परिपक्व थी। वो नाम रूप को नहीं मानते थे, बोले तो माया की चीज है नाम रूप, सगुण को भी माया से युक्त ही मानते थे। पर एक जगह स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज सेठ जयदयाल गोयनका जी के पत्र बांच रहे थे सत्संग में, और श्री राधा बाबा ने उनको सुन लिया। उनको लगा कि सेठ जयदयाल गोयनका जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास वो गए और उन्होंने कहा कि इन महापुरुष से हम मिलना चाहते हैं, हमको कुछ आध्यात्मिक चर्चा करनी है। तो उस समय सेठ जयदयाल गोयनका जी गीता प्रेस के संस्थापक 18 वर्ष की आयु में उनको भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया था चतुर्भुज रूप में, ऐसे महापुरुष थे वो, वैश्य थे, गृहस्थ थे, पर इतनी ऊंची उनकी अवस्था थी सेठ जी की। तो बांकुरा में गए बाबा, और बाबा का कहना यह था कि सगुण तो इसलिए है के सीधे निर्गुण तक लोग पहुंच नहीं सकते, इसलिए नाम रूप के माध्यम से, एक आकार के माध्यम से लग जाए, किंतु इसको वहीं छोड़ देना है, आगे फिर निर्विशेष की ओर जाना है। सेठ जी बोले नहीं, परमात्मा दो हो नहीं सकते, वही निर्गुण है वही सगुण है। बोले नहीं नहीं वो ठीक है तत्व की दृष्टि से, पर समाधान नहीं हो पा रहा था। हमने यहां तक सुना है कि सेठ जी कई दिन तक चर्चा होते होते हो गया, अंत में सेठ जी ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान की झलक भी सामने आ गई। बाबा कहते थे ये सब जो दिखता है वो सब माया है, भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को बोले दिखता है वो माया है, मायापति को भी माया कहने लग गए बाबा, ऐसे कट्टर ज्ञानी थे महाराज। तो श्री सेठ जी ने कहा कि गोरखपुर में गीता वाटिका में भाई हनुमान प्रसाद जी रहते हैं, वो संपादक हैं, हमारे अभिन्न सहयोगी हैं, वो उच्च कोटि के भक्त हैं। सेठ जी ने कहा आप उनके पास जाओ। तो बाबा क्या बोले, हम किसी ओद्दार पोद्दार के पास नहीं जाएंगे, हमको तो आप समाधान कीजिए, आपके पत्र सुनकर, आपकी तत्व चिंतामणि पढ़ करके ये तो समझ में आ गया कि आप अनुभवी संत हैं, अनुभवी महापुरुष हैं, पर समाधान आप दीजिए। बोले आप जाइए तो सही। तो बाबा गीता वाटिका गोरखपुर आए, पैसा छूते नहीं थे, सेठ जी ने ट्रेन में उनको चढ़ा दिया था, आए वहां से पैदल चल के गीता वाटिका आए स्टेशन से, भूखे प्यासे थे, रास्ते में कुछ खाया नहीं, और शरद पूर्णिमा के दिन बाबा वहां पहुंचे सुबेरे।
और भाई जी को जाना था किसी काम से वाराणसी, तो भाई जी ने बाबा को प्रणाम किया, उनके चरणों का स्पर्श किया, क्योंकि एक तो ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी सन्यासी, तो चरण का स्पर्श करके श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रणाम किया और उनके भिक्षा आदि की व्यवस्था कर दी और बोले आप यहाँ रहिए। बोले यहाँ शोरगुल बहुत हो रहा, कीर्तन चल रहा था ना, बोले यहाँ शोरगुल बहुत हो रहा, हल्ला गुल्ला बहुत हो रहा है, हम एकांत चाहिए। तो बाटिका में सबसे पीछे वाली झोपड़ी उनको भाई जी ने कहा इस पर्ण कुटी में आप आसन लगाइए, यहाँ आवाज नहीं जाती। बाबा वहां चले गए, भाई जी के स्पर्श का वह दिव्य प्रभाव था कि उसी रात्रि को बाबा बैठ करके ध्यान की मुद्रा में उस निर्गुण निराकार निर्विशेष ज्योतिष स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। वो परमात्मा का ध्यान क्या, आत्मा आत्मानुसंधान कर रहे थे, क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त तो वहां किसी की सत्ता है ही नहीं, तो अपने ही स्वरूप का ध्यान कर रहे थे। और उसी बीच में बाबा को पता नहीं क्या हुआ, हमारे ठाकुर जी तो बहुत जल्दी कब्जा करते हैं किसी भोले भाले के ऊपर, बस प्रणव का जब छूट गया, ध्यान छूट गया और मुरली की धुन बाबा को सुनाई पड़ी और फिर महामंत्र बड़े प्रेम से उसका स्वर भी सुनाई पड़ा और देखते देखते बाबा के सामने नील मणि त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर प्रकट हो गए और बाबा सदा सर्वदा के लिए ठाकुर जी के हो गए। ये किसका प्रभाव था, बाबा ने अनुभव किया। बाबा कहते थे हमें भाई जी के को प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन मर्यादा है सन्यास की, हम कैसे प्रणाम करते, वो वैश्य हैं, गृहस्थ हैं और हम विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं, यति हैं, चतुर्थाश्रमी हैं, कैसे प्रणाम करते। लेकिन जो प्रणाम करने से मिलता वही भाई जी ने चरण छूकर हमको दे दिया, हमारे चरण छुए लेकिन हमारे भीतर कृष्ण प्रेम का संचार कर दिया। प्रेम से इस पर माथा छू दें चाहे पैर छू दें, कृपा हो गई। और इतना ही नहीं, आहा, मान लो क्रोध से छू दें, माने थप्पड़ जड़ दें, घूसा लगा दें, लात मार दें, तो भी समझो कृपा हो गई।